और विस्फोटक जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। खार्किव में एक बार फिर कई मंचों पर रूस और यूक्रेन की सेनाएं आमने सामने हैं। रूस ने यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर वैक्यूम बम से हमला कर भीषण तबाही मचाई। SU-25 से किए गए अटैक में यूक्रेन के कई सेटलमेंट तबाह हो गए। इस हमले में 40 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा है। डोनबास में रूस के खिलाफ यूक्रेन ने लगातार चौथे दिन हाइमर्स से नॉनस्टॉप हमले किए। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने 24 घंटे की जंग में रूस के 1340 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। इस दौरान उसके 20 टैंक और 60 से ज्यादा ड्रोन भी तबाह कर दिए गए। कुर्क के जवाब में रूस ने यूक्रेन के बुलहेदर पर कब्जे की रणनीति बनाई है और उसी के तहत उसकी आर्टिलरी फोर्स ने यूक्रेनी ठिकानों पर विनाशक हमले किए। शहर की घेराबंदी कर चौतरफा शेलिंग की गई। रूस की सेना किसी भी वक्त शहर में दाखिल हो सकती है। बुलहेदर में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर रूस ने जबरदस्त स्ट्राइक की। ड्रोन से यूक्रेनी सेना के कमांड सेंटर और वेपन स्टोर को टारगेट बनाया गया। हालांकि हमले के वक्त बिल्डिंग में कम लोग मौजूद थे, फिर भी 10 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा है। ज़ेपोरिज़्या में भी आक्रामक जंग जारी है। यहाँ यूक्रेन ने हाइमर्स सिस्टम से रूसी कमांड पोस्ट पर विध्वंसक प्रहार किया। ड्रोन से रेकी के बाद रूसी सेना के ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक हुआ। यूक्रेनी फोर्स के हमले से पूरा इलाका दहल उठा।